हेलो फ्रेंड, आज मैं आ गया आपके लिए एक फिर से नया वीडियो लेकर। आप यहाँ पे एक रिले मॉड्यूल देख रही हो, इसको मैंने ऑनलाइन से परचेस किया है, लेकिन आज मैं इसी रिले मॉड्यूल को घर पे बना के दिखाऊंगा। और ये जो रिले मॉड्यूल है, ये 4 चैनल रिले मॉड्यूल है, लेकिन आज मैं आपको 6 चैनल रिले मॉड्यूल बना के दिखाऊँगा। चलिए देख लेते हैं कैसे इस 6 चैनल रिले मॉड्यूल को घर पर बनाया जाता है। मैं सब कुछ स्टेप बाई स्टेप दिखाऊँगा। चलिए वीडियो को देख लेते हैं। चलिए सामान को सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी सामान की ज़रूरत होगा इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। 6 रिले, आप देख सकते हो यहाँ पे ये रिले 6 वोल्ट पे रन होता है। मेरे को 5 वोल्ट का रिले नहीं मिला है, इसलिए मैं 6 वोल्ट का रिले को इस्तेमाल करके इस प्रोजेक्ट को बना रही हूँ। एक PCB, 6 स्क्रू टर्मिनल, 1 मेल हेडर, 6 LED, 6 रजिस्टर। आप यहाँ पे 100 ओम से 220 ओम्स तक आप किसी भी रजिस्टर को इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे 220 ओम्स का रजिस्टर इस्तेमाल कर रही हूँ। 6 IN4007 डायोड एंड फाइनली 6 NPN ट्रांजिस्टर। मैं यहाँ पे 1815 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे 547 ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल कर सकते हो। मैं 1815 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसका जो बेस पिन है वो साइड पे है, इसलिए काम की सुविधा के लिए मैं यहाँ पे 1815 ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए प्रोजेक्ट को अब कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्क्रू टर्मिनल को PCB में सेट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो स्क्रू टर्मिनल का जो पिन है PCB में नहीं सेट हो रही है, इसलिए इस होल को थोड़ा सा बड़ा करना होगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा PCB ड्रिल को इस्तेमाल कर रही हूँ। PCB में जो होल है वो है 0.8 mm, तो मैं उसे 1 mm होल करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 1 mm PCB ड्रिल बिट को इस्तेमाल कर रही हूँ। तब देख सकते हो कितना आसानी से अब सेट हो चुका है। चलिए सभी को इस तरीके से सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने सभी स्क्रू टर्मिनल को सेट कर लिया है। उसके बाद हम रिले को सेट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो रिले का 5 पिन है। 4 पिन तो ठीक ठाक सेट हो चुका है, लेकिन जो 5 पिन है मिडिल का पिन, वो पिन नहीं सेट हो रही है, तो उसको भी सेट करना होगा। इसको सेट करने के लिए हमें हर एक रिले के लिए ड्रिल करना होगा। तो चलिए इसको भी सेट कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये रिले सेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम सभी रिले के लिए हर एक रिले के लिए ड्रिल कर लेते हैं, उसके बाद सभी रिलेस को सेट कर लेते हैं।
आप देख सकते हो मैंने सभी रिलेस को सेट कर लिया है। उसके बाद हम डायोड को सेट करेंगे।
कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे आपके सामने चेक करके दिखाऊंगा ये रिले मॉड्यूल सही से काम कर रहा है कि नहीं। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 3 नाइट लैंप को कनेक्ट किया हूँ। पॉजिटिव क्लिप से मैं एक वायर अटैच किया हूँ रिले मॉड्यूल पे सिग्नल इनपुट के लिए। इस रिले मॉड्यूल को पावर देने के लिए इस एडजस्टेबल पावर सप्लाई को इस्तेमाल करूंगा। तो मैं यहाँ पे 6 वोल्ट सेट कर लेती हूँ। रिले मॉड्यूल पे पावर देने के लिए मैं नेगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं नाइट लैम्प को 220 वोल्ट एसी करंट के साथ कनेक्ट करती हूँ। मैं यहाँ पे रिले 1, रिले 3 एंड रिले 5 के साथ नाइट लैम्प को कनेक्ट किया हूँ। जब मैं पॉजिटिव वोल्ट को इनपुट कर रही हूँ तो आप देख सकते हो सभी नाइट लैम्प एकदम सही से ग्लो कर रही है। और ये जो रिले मॉड्यूल है ये आप 6 वोल्ट पे रन हो रही है। इसको 5 वोल्ट पे रन करने के लिए आप जो 6 रजिस्टर है उसको चेंज करना होगा। उसको चेंज करके आप 100 ओम्स का रजिस्टर का इस्तेमाल करना होगा। तो आप इस तरीके से एक रिले मॉड्यूल को अपने घर पर बना सकते हो। तो यही था मेरा आज का वीडियो। उसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।